ऐसा उपाय है कि सोने पर सुहागा, घर की इज्जत घर से बाहर नहीं जाएगी और तुम्हें दो तीन बच्चे भी मिल जाएंगे, फिर अधूरी प्यास भी तुम्हें बेचैन करती होगी, क्योंकि मुझे माँ बनने का रास्ता चाहिए था, इसीलिए पापा जी ने मुझे। मेरी उम्र 23 साल का है, मेरा रंग सवला जरूर है, लेकिन लोगों का कहना है कि मेरा नयन नक्शा बहुत आकर्षक है। मैं एक हरे बदन की दुबली पतली और लंबी युवती हूँ। मेरी पतली कमर ने मुझे सिर पे पांव तक सुंदर बना रखा है। मेरे पति ने सुहागरात को बताया था कि जब वो शादी से पहले मुझे देखने गए थे, मेरी खूबसूरत देखे बिना मेरी कट काठी पर ही मोहित हो गए थे, और जब वो सूरत देखी तो हाल बेहाल हो गया था। मेरी शादी 20 वर्ष की उम्र में हुई थी। 2 साल एक बेटे की माँ हूँ, उसके बाद मैं गर्भवती नहीं हुई कि इसमें क्या कमी आ गई है। मैं कभी अपने पति से और बच्चे के लिए कहती हूँ तो कहकर टाल देते हैं कि एक ही लड़ला है वही बहुत है, और बच्चे नहीं होते तो। लेकिन बच्चों के मामले में संतुष्ट नहीं हूँ, कम से कम 2-3 बच्चे तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं पति के विचारों में सहमत नहीं हूँ। मेरे मन में एक या दो बच्चों के माँ बनने की लालसा बनी रहती है। बच्चे की लालसा ने दूसरों मत से संबंध बनाने की चाहत होने लगी। एक दिन मेरे पति का दोस्त आया, मैं उसी से संबंध बनाने की बात करने वाली थी, तभी मेरे ससुर आ पहुँचे। उस दिन तो नहीं, अगले दिन जब मेरे पति नाइट ड्यूटी लग गई, तब पापा जी बोले, खाना पीना हो चुका था, मुन्ना पापा जी भी सोने की तैयारी कर रहे थे। मैं मुन्ने को उठाने पहुंचे तो पापा जी पूछने लगे, कल वो कैसे बैठा था, क्या कह रहा था। मेरे आते ही वो चला गया, इसलिए सोचने को मजबूर हो गया हूँ। पापा जी कहने लगे, बहू तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, आ जाओ बैठो। मैं बैठने से हिचकी, वो मेरे पति के पिता थे, मैं उनके बराबर बैठने की हिम्मत नहीं हो कर पाई, वो मेरे संकोच को समझ गए, दोबारा बैठने के लिए नहीं कहा, और अपनी बात मेरी खराबी है और न ही मेरे लड़के में कोई खराबी है, मेरा लड़का ही बेवकूफ़ी कर रहा है। इसके कारण हर कोई सोचने लगा कि अब तुम्हें बच्चे नहीं होंगे। उस मूर्ख को कितनी बार समझाया कि नाइट ड्यूटी मत लगवाया करो, लेकिन वो मानता ही नहीं, रात भर अस्पताल में ड्यूटी करेगा, यहाँ कुछ करेगा ही नहीं तो बच्चा कैसे होगा। मैं पापा जी की बात समझकर लज्जा उठी, एक नज़र उनकी ओर देखा और शांत खड़ी रही। वही बात कह रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि नाइट ड्यूटी करने से वो सवेरे आते थे और दिन भर खराटे मारकर सो जाते, शाम को फिर वो चले जाते थे। नाइट ड्यूटी नहीं होती तो वो मेरे पास मेरे साथ सोते थे, लेकिन महीनों में 2-3 दिन बारे ही करते थे। मेरे दिमाग में ये बात भी बैठ गई थी कि जब तक टर्न टोड न किया जाए गर्व नहीं ठहरता। गर्व की बात तो अलग है, जवानी के दौर से गुजर रही थी, मैं खुद को अनभुत महसूस करती थी, मेरा यौवन करने के बिना प्यासा रहने लगा था। आगे पापा जी बोले, आज वो सलाह दे रहा है डॉक्टर के पास जाने की, कहने लगा मैं तुम्हें माँ बना सकता, मानता हूँ कि भरपूर जवान और सुंदर युवती को पुरुष का भरपूर हसबैंड चाहिए, माँ बनने की लालसा हर औरत में होती है, तुम्हें एक बच्चा हो चुका है लेकिन एक ही काफ़ी नहीं है, कम से कम 3 नहीं तो 2 होने चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि ये आजकल के लड़के बिन पैडलिंग लौटे हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर, कोई चीज़ नहीं होती, ये अपने दोस्तों तक बिना हिचके बात पहुंचा देते हैं, फिर बदनामी मिलती है तो मुझसे बात करना बंद कर दो। कोई भी गंभीर आदमी होता है तो मैं मना नहीं करता, माँ बनने के और भी उपाय है, क्या मैं असमताई से पूछ बैठे। वो मुस्कराए फिर बोले, तुम मुन्नों को लेकर बिस्तर पर, ऐसा उपाय है कि सोने से सुहागा, घर की इज्जत घर से बाहर नहीं जाएगी और तुम्हें 2-3 बच्चे भी मिल जाएंगे, फिर अधूरी प्यास भी तुम्हें बेचैन करती होगी, क्योंकि मुझे बाम बनने का रास्ता चाहिए था, इसीलिए पापा जी के पास मैंने वापस आने का मन बना लिया।
मैं झुकी मुन्ने को उठाकर खड़ी हुई। तभी पापा जी ने मेरे पक्ष पर उभरी गोल साठ को लिटा कर आओगी ना। मैं हड़बड़ा गई। मुन्ना हाथ से छूटने छूटते बचा, लेकिन जब मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई तो सोचने लगी पापा जी का हसवास हसीन में मिल रहा है। बुरा तो नहीं है, घर की इज्जत घर में ही रहेगी, खुद किसी से चर्चा करेंगे तो पहले उन पर ही थुतु होगी। मन से तो मैं तैयार हो गई, लेकिन मुन्ने को लिटाने के बाद बाहर की ओर कदम नहीं उठा पा रही। कुछ देर तक खड़ी रही, साहस सटाती रही, मेरे कदम दरवाजे की ओर बढ़ जाए, लेकिन हमारे संबंध ने मेरे पांव को बेड़िया से डाल दी थी। मेरा मन और तन अजीब सी गुदगुदी से भर उठा था। केवल एक दरवाजा जाते ही पापा जी के कमरे में दाखिल हो जाना था, लेकिन मुझे लग रहा था कि सफ़र बहुत लंबा तय करना पड़ेगा। बहुत देर बाद जब हिम्मत नहीं जुट पाई तो स्विच ऑफ करके मुन्ने के पास बिस्तर पर बैठ गई। जितना कठिन था पापा जी को और कदम उठाना, उतना ही कठिन लग रहा था मुझे मुन्ना के पास बिस्तर पर लेट कर जाना। बैठ जरूर गई, लेकिन लेटने का मन नहीं हो रहा था। दरवाज़ा खुला था, मेरे पति नाइट ड्यूटी पर नहीं होते तो बीच का दरवाज़ा बंद कर लेती थी। पापा जी के कमरे में बत्ती जल रही थी, वो शायद मेरे आने के इंतज़ार कर रहे थे। निराश होकर वो भी उठे और बत्ती बुझाकर लेट गए। मेरा निचला होठों दांतों के नीचे दब गया। पापा जी जितनी लिफ्ट देर दे दी थी उसके आगे बढ़ने में शायद वो भी संकोच कर रहे थे। हो सकता है मेरी अस्थिर समझ पीछे हट गई हो। मैं पछताने लगी, मन अभी कसम कसम के पड़ा हुआ था उनके पास चली जाओ या नहीं। एक लंबे सांस छोड़कर मैंने अपना माथा अपने घुटनों के झुका लिया। एक तरफ मेरी माँ बनने की लालसा थी तो दूसरी तरफ हमारा पवित्र संबंध स्थिति में मुझे अंदर में लटका कर छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद पापा जी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, बहू आज पानी मेरे पास नहीं रखा क्या, अभी लाती हूँ। मैं झटकर उठ पड़ी, स्विच ऑन करके पानी लेने नल की ओर तेजी से बढ़ गई। मुझे अच्छी तरह याद था कि मुन्ने को उठाने गई थी तो रोज की तरह पानी लेकर गई थी। मालूम होते ही हुए भी पापा जी ने पानी मांगा था। क्या कह रहा था, मेरे आते ही वो चला गया, इसीलिए सोचने को मजबूर हो गया हूँ। पापा जी कहने लगे, बहू इसीलिए पानी रख कर आई हूँ, ये बात मैंने भी भुला थी, अब दोबारा पानी लेकर जाने पर फंस कर ही रह जाना लाजमी था, इसीलिए मुन्ने के लिए मैंने बत्ती जला दी थी ताकि अंधेरे में आँख खोले तो डर न जाए। पानी ले जाकर तथा स्नान रखने के लिए झुकी तो मैंने कहा पानी तो रखी हुई है, तो पापा जी ने मेरी बाँह पकड़ कर कहा हाँ पानी तो पहले ही से ही रखी थी। मैंने पानी के बहाने यह पूछने बुलाया है कि क्या तुम मेरी बात का बुरा मान गई हो। मैंने कहा नहीं, तो अगर बुरा नहीं माना है तो आओ बैठ जाओ ना। कहते हुए उन्होंने मेरी बाँह खींची, मैं संभल नहीं पाई। ऐसा भी नहीं समझ सकते कि मैंने संभाला नहीं, कहा खड़खड़ा कर बैठ गई। शर्माओ मत बहू, ये तो समस्या के समाधान की बात है, और बच्चे पाने के लिए तुमने जो कदम उठाना चाहा वो गलत नहीं था। गलत तो वो लड़का है जिसकी ओर मैंने तुम्हारा झुकाव देखा। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें किसी का भी आश्वास मिल जाएगा, लेकिन बाहरी किसी एक आदमी के आक्रोश में आ जाओगी तो अनेक दोस्ती भी तुम्हें अपने आक्रोश में बुलाएंगे। मजबूरी में तुम्हें औरों को भी दिल का खुश करना पड़ेगा। तुम इनकार करोगे तो चिढ़कर वो तुम्हें बदनाम करेंगे, नहीं इनकार करेगी तो भी बात को एक दूसरे को दोस्तों तक पहुँचाएगी और तुम चालू औरतों के रूप में बदनाम हो जाओगी। खानदान का भी नाक कटेगी, सो अलग मैं घर का सदस्य हूँ। हमारे संबंध ऐसे हैं कि किसी को संकेत तक भी नहीं होगी। मैं तुम्हारी बदनामी की बात सोच भी नहीं सकता क्योंकि खुद को मेरा मुँह काला हो जाएगा। अब शर्म छोड़ो और आ जाओ मेरे आक्रोश समा जाओ, कहकर पापा जी ने मुझे अपनी ओर खींचा और बाहों में बांध लिया। मैंने जरा भी विरोध नहीं किया और उनके सीने में डुबक गई। संपन्न नहीं, मेरे पास एक मात्र रास्ता था, पापा जी यानी मेरे ससुर बुद्धि नहीं थे।
अभी दम है पीछे कर कर, लेकिन उतने संकोच का सफल एक पीढ़ी ऊपर जरूर है, लेकिन उनको सुंदरता की परख ही नहीं है बल्कि रूप सौंदर्यों को भगाने का अनुरक्ष ज्ञान भी है। यह मुझसे उसी रात पता चल गया था। मैं उनके अगले कदम की प्रतीक्षा सांस रोक कर रोक रही थी। सहराई मेरे रुकी हुई लंबी सांस छूट गई। क्या हुआ, प्यास बहुत तड़पा रही है ना, कहने के साथ ही उन्होंने मेरे जिस्म को कसकर खींच लिया। मैं कहरा उठी, इसके साथ ही मैंने चेहरा भी उठा दिया। आंखें चार हुई तो जलमुखी जलावती बंद हो गई। मैं तैयार नहीं था, सहसा नहीं पा। ससाई पापा जी ने अपने तड़पते होंठों को मेरे होंठों में चिपका दिया। मेरी थरथरा सांस फिर छूट गई। वो होंठों को उठाकर बोले, बहुत हसीन हो तुम, तुम्हारी सांसों को खुशबू चमेली के फूल जैसी है। मेरे ससुर ने मुझे रात भर यूज किए, मैं कैरा लेती हूँ, आह करती रही, मेरे पति से भी ज़्यादा थका दिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।